Hello friends, welcome again to the world of Maths by MEA. So I got this question from one of my close friends or a student on WhatsApp group. He said, give me the best concept of this question. Question number two, I'd say, either use identity or use the concept. Concept yahi hai ki ise left hand side mein leke jao, cube karo, you will get this term and answer nikal lo. But by mistake, maine use kya kiya tha pehla word, you can use identity. To mere piche pad gaya. So give me the identity कि मैं इस टाइप के questions को within second solve कर सकूं. So I created three question of this sort. हम पहले concept से देखेंगे कैसे solve होता है. Then concept करते करते हम identity लेके आ जाएंगे कि वो identity है क्या. तो if you have a concept, concept बहुत simple होता है. यहाँ 5 है, 7 है, 2 है, तो generalized term में मैं यहाँ a लेता हूँ. a raised to power 1 by 3 प्लस ए रेज टू पावर 2 बाई 3. सिंस वन थर्ड टर्म है तो मुझे क्यूब करना होगा. और मैंने हमेशा सजेस्ट किया कि थ्री वेरिएबल एक साथ नहीं रखते हैं, तो एक वेरिएबल को इधर ले आते हैं एंड क्यूब करते हैं. तो ये आपका दिखेगा 8 2 बाई 3 एंड क्यूबिंग बोथ द साइड्स वी गॉट नथिंग बट ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. That is AB square, this becomes A and the B cube. यही हमारा formula है, A cube, A minus B का whole cube. Equal to, यहाँ पे मैं दूसरा formula यूज करना चाहूंगा. That is A cube, A 1 by 3 का whole cube. I know आप बोलोगे ये A होगा, but इसको रहने देते हैं. This one is nothing but B cube, ये A square देगा, plus 3AB, इसको भी रहने देते हैं इसी तरह, 1, 1 by 3, and यहाँ 2 by 3, into A minus B. ए प्लस बी ए 1 बाई 3 प्लस ए 2 बाई 3 फाइन. यहां आपके पास बचता है एक्स क्यूब. मैं रीअरेंज कर रहा हूं, यहां बचता है एक्स क्यूब. देन यू हैव नथिंग बट माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर. देन यहां पे आपके पास क्या है, दिस वाज ए स्क्वायर रिटर्न प्लस 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब को उधर लेके जाते हैं. तो यहां देखना आपके पास क्या है, यू हैव नथिंग बट ए क्यूब प्लस ए 1 बाई 3 का होल क्यूब प्लस ए स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस वन इज ए 1 बाई 3 इंटू ए 2 बाई 3 और ये जो वैल्यू दिखेगा ये आपका दिखेगा क्या, एक्स माइनस ए के बराबर. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचा क्या, आप देखना फिर से, मैं फिर से रिलाइट कर रहा हूं. दिस इज कॉन्सेप्ट अगर होगा तो. सो वी हैव नथिंग बट यहां पे करते इस स्टेज पे हमारा आंसर आ जाता. सो वी हैव नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर. यहां आपके पास क्या है, 3 ए स्क्वायर एक्स. ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या दिखेगा, दिस वन इज 3 एंड 1 बाई 3 3 ए एक्स. ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां 3 ए स्क्वायर एक्स में से 3 ए एक्स सब्ट्रैक्ट होगा. तो मैं लिख सकता हूं ये दिखेगा प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस ए एक्स. फाइन, ये यहां आएगा. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए क्यूब प्लस ए 1 बाई 3 का होल क्यूब प्लस ए 2 बाई 3 का होल क्यूब और ये टर्म बचेगा माइनस 3 ए इंटू ए 1 बाई 3 एंड ए 2 बाई 3. सो दिस वन इज द आइडेंटिटी. अगर आपके पास कभी भी इस टाइप का टर्म होता है तो यहां पे एक्स क्यूब होगा. आप देखना, अगर एक्स क्यूब बदले 2 है तो इस आइडेंटिटी में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा. यहां एक्स क्यूब आपके पास होगा. यहां 15 एक्स स्क्वायर कैसे आया, यहां होता है 3 इंटू ए. I am saying this one is a, this one is 1 by 3, this one is a 2 by 3. यहाँ होता है 15a. Then आपके पास a square minus a होता है 3 multiply होकर. a square is 25. Minus a is nothing but 5 is nothing but 20. उसका 3 times. यहाँ 60 होता है. यहाँ पे भी आप देखना है यहाँ पे क्या होता है 3a. यहाँ 3a. यहाँ भी क्या है 6a. Minus में दिखता है. ये term होता क्या है? Actually ये term होता है 3 into 7 square minus 7. और वैसे क्वेश्चन इसी से बनते हैं. 42 3 जा 126 यहां दिखता है 2 स्क्वायर माइनस 2 इज नथिंग बट 4 माइनस 2 इज 2 एंड 3 जा 6 आपका यही बचता है. देन हमारा ये टर्म्स तो फिक्स होता है. उसके बाद आंसर क्या होता है, अगर मैं इसको देखूं तो आंसर होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी. ए क्यूब 343 प्लस बी क्यूब 7 प्लस सी क्यूब इज नथिंग बट 49 माइनस 3 ए बी सी. 3 इंटू 7 इंटू 7 1 बाई 3 इंटू 7 2 बाई 3 एंड आप इसे सॉल्व कर दो. तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 343 प्लस 7 इज 350 प्लस 399 दिस बिकम्स नथिंग बट 399
माइनस ये आपका 7 देगा, 49 थ्री जा 147, 399 माइनस 147 इज नथिंग बट 252. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 252. सो कॉन्सेप्ट यही है, आप इसे 7 को इधर लेके आते, क्यूब करते, प्रोसेस रिपीट करते, आपका आंसर आता. बट मैं आपसे चाहता हूं कि इफ यू आर गोइंग टू राइट एनी ऑफ द एग्जामिनेशन और इस टाइप का क्वेश्चन हो एंड आइडेंटिटी 110% यही होती है, तो मैं यहां से यहां का वैल्यूज निकालूंगा. ये वैल्यूज मेरा देगा क्या, वी हैव अ कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बाद में लेते हैं. फर्स्ट ट्री टर्म इज नथिंग बट ए क्यूब 125 प्लस बी क्यूब 5 प्लस सी क्यूब इज 25 माइनस 3 ए बी सी ए एन 25 इंटू 25. तो ये आपका हो जाएगा 130. दिस बिकम्स 130 एंड 155 माइनस 75 आंसर इज नथिंग बट 80. यहां तक 80 देगा, प्लस 100 था तो आंसर इज नथिंग बट 180. हार्डली आपके पास 10 से 15 या 20 सेकंड क्वेश्चन को लगता है सॉल्व करने में. इस क्वेश्चन में देखना, फर्स्ट थ्री टर्म्स तो आपका बहुत आराम से निकलता है. ए क्यूब दिस वन इज नथिंग बट 8, बी क्यूब इज नथिंग बट 2, सी क्यूब इज नथिंग बट 4 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी. सो ये हो जाएगा 2, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 4, तो आपका ये हो गया कितना 12, ये हो गया 12. तो आंसर ऑफ दिस अप टू यहां तक अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2 देगा प्लस 8 10 आंसर हो जाएगा. तो आपको यही याद रखना है, अगर इस टाइप का टर्म्स होता है तो दिस वन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी. आप बोल सकते हो दिस वन इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर. सो दिस बिकम्स नथिंग बट ए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए क्यू इज द फाइनल टर्म. बट इस तरह से याद रखना बेटर होता है बाकी किसी तरह से याद रखने के. बट कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, आप 7 को उधर लेके आओ, सॉल्व कर दो, आंसर निकालो. सो आई वुड सजेस्ट प्लीज आप अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लो विथ दिस फॉर्मूले के साथ, जो आपके लाइफ भर या कम से कम एग्जाम तक तो आपका साथ जरूर देगा. तो इफ यू एनी क्वेश्चन आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, इफ यू आर इन माई व्हाट्सएप ग्रुप. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.